आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं चर्चा की कोरोना पे। कोरोना, जी हां, एक बार फिर इस नाम की गूंज सुनाई देने लगी है। जिस तरह इसे समूचे विश्व में तबाही मचा रखी थी, उसे देखते हुए जैसे ही इस नए वेरिएंट BF7 ने दस्तक दे दी है, इसके बाद एक्शन में आई सरकार आज बैठक कर रही है और अलग अलग राज्यों में इसको लेकर जरूरी दिशा निर्देश भी जारी कर रही है। इस चर्चा पर हमारे साथ मौजूद हैं भुवन भास्कर जोशी, प्रवक्ता सपा से, निकिता सरीन, चिकित्सक हैं, और प्रशांत मिश्रा, नेता BJP, विवेक शर्मा, समाजसेवी, इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले चलते हैं निकिता सरीन जी के पास। निकिता जी, चीन में कोरोना तबाही मचा रहा है, ओमिक्रोन का नया वेरिएंट BF7, आखिर ये है क्या? सबसे पहले तो अगर आप देखें तो चीन में 2019 में दिसंबर के ही महीने में COVID-19 ने दस्तक दी थी। जी, दिसंबर 2019 से लेकर के आज तक की डेट में ये COVID-19 पूरी दुनिया में तबाही मचाता आया है। जी, 2020 में जनवरी 27 में हमारे भारत में कोविड का सबसे पहला केस आया था, जो कि एक 66 साल का एक पुरुष था जिसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद 2020 से लेकर के 2021 में हमारे पास डेल्टा वायरस आ गया, और डेल्टा वायरस जिसने सेकेंड वेव में बहुत ज्यादा, बहुत भारी पैमाने पे भारत में तबाही मचाई है। अब हम 2022 के बाद 2023 की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जैसे आपने बताया कि 2023 में हमारे पास BF7 जो कि ओमिक्रॉन का ही एक सबॉर्डिनेट है, जो उसका ही एक निकला हुआ वायरस है, उसका ही एक स्ट्रेन है, वो काफ़ी तबाही मचाने के लिए हो सकता है। और इसके लिए हम लोगों को, जैसे पहले हम करते आ रहे थे कि हम लोगों को 2 गज दूरी बनाए रखनी है, हमें मास्क अपने मुंह पर रखना है, और हमें अपने हाथों को अच्छे से साबुन से, पानी से वॉश करना है, कम से कम 15 से 20 मिनट तक के लिए हमको अपने हाथों को सैनिटाइज करने के बाद हवा में ही सूखने के लिए छोड़ देना है। हम इस चीज़ को कोशिश करें कि ज़्यादा किसी सरफेस, किसी भी जगह पर हम हाथ ना लगाएं, अपने हाथों को अपनी आँख, नाक और मुँह से बिल्कुल दूर रखें। ये वायरस एक बहुत ही ख़तरनाक वायरस है। 2020 से लेकर के 2023 तक जो इसने तबाही मचाई है, ये एक पैंडेमिक से एक एंडेमिक बन चुका है। एंडेमिक एक ऐसी चीज होती है कि जिसके साथ अब हमें जीना है, और अब इसके साथ जीने के लिए वे फॉरवर्ड सिर्फ यही है कि हम टाइम टू टाइम अपना वैक्सीनेशन करवाते रहें, जो भी बूस्टर डोजेज आ रहे हैं हम उसे इग्नोर ना करें। इस विषय में आज योगी जी ने एक चर्चा भी बैठाई थी, जिसमें उन लोगों ने काफ़ी इस चीज़ की सारे लोगों को ये बताया था कि सारे पेशेंट्स को मास्क पहनना है, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी को बढ़ाना है, हॉस्पिटल में बेड्स की अवेलेबिलिटी को बढ़ाना है, जिससे कि हमारे उत्तर प्रदेश में अगर कोई भी ऐसी चीज़ से हम जूझ रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास पहले से ही पूरी तैयारी हो। रिचा जी, एक चीज़ मैं आपसे जरूर जानना चाहूँगा, इससे पहले जब पैंडेमिक ये आया था, कोरोना में लाखों की संख्या में लोग मर गए थे, उस समय आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी चूक हो गई है जिसकी वजह से इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई? देखिए, चूक की बात तो ये हम सब की तरफ से ही हुई है। सरकार ने अपनी तरफ से तो काफ़ी सारे कदम उठाए थे, लेकिन ये हम पे है कि हम उन कदमों को किस तरह से फॉलो करें। कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि उस समय जो लॉकडाउन बहुत काफी लेट हुआ, उसमें जो स्वास्थ्य के जो प्रबंधन होने थे वो प्रबंधन काफी लेट हुए, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में लोग मर गए, ऑक्सीजन की कमी हुई, उसके बाद मेडिसिन की कमी हुई, अपने पास क्या नाम है, इंजेक्शन ऐसे नहीं थे, ऐसे जो जितने भी कोविड वैक्सीन आई थी ये भी काफी लेट आई, तो कहीं ना कहीं इन सब की वजह से भी लाखों की संख्या में लोग मरे। जी हाँ, बिल्कुल, मैं इस चीज़ से बिल्कुल अग्री करती हूँ कि अगर हमारे पास पहले से ही इस चीज़ की प्रिपरेशन होती तो हम शायद और ज़्यादा लाखों लोगों की जानों को बचा सकते थे। एक टाइम पे हम डेल्टा वायरस में ये देखते आ रहे थे हॉस्पिटल्स में कि कहीं पे भी बेड्स अवेलेबल नहीं थे, ना सरकारी में ना प्राइवेट में। उस वजह से भी अनअवेलेबिलिटी ऑफ बेड की वजह से, अनअवेलेबिलिटी ऑफ इनफ मेडिसिन स्टॉक की वजह से काफ़ी मृत्यु भी हुई है। और इस चीज़ का बहुत लोगों को ख्याल रखना है, जो दुकान में मेडिसिन बेच रहे हैं, जो फार्मेसिस्ट भी मेडिसिन बेच रहे हैं, उन सब की भी ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो मेडिसिन को स्टॉकअप ना करें। जी, है ना, ये स्टॉकअप करने की वजह से, ऑक्सीजन को स्टॉकअप करने की वजह से, जैसे लोगों को पता लगा कि ऑक्सीजन की जरूरत है, उसमें लोगों ने काफी मात्रा में ऑक्सीजन स्टॉकअप करना शुरू कर दिया था। जी, ये बिल्कुल गलत था सरकार की तरफ से। अगर हमें पहले थोड़ा सा इस चीज का प्रचार तो हुआ सरकार की तरफ से, भरपूर हुआ, लेकिन अगर थोड़ी पहले हो चुका होता
तो काफ़ी लोगों की जान बच जाती, काफ़ी लोग सतर्क हो जाते और हम काफ़ी सिचुएशन काफ़ी बेटर हो सकती थी। एक कंप्लीट लॉकडाउन की सिचुएशन में ये नहीं लीड करता, उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी भी काफ़ी अस्त व्यस्त हो गई थी, कई लोगों के घर बर्बाद हो गए थे, कई लोगों की दुकानें परमानेंटली शटडाउन हो गई थी। तो अगर टाइमली हम इस चीज़ को प्रिपेयर करके चले तो हम इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। जी विवेक जी, आपके पास चलते हैं, आपसे ये जानना चाहेंगे कि पिछले कोरोना में भी आपने स्थितियों को देखा है, अब ये फिर एक नया वेरियंट BF7 आ चुका है, तो आपको क्या लगता है कि पिछले जो भी हालात रहे उससे क्या हमें सीखना चाहिए और क्या कमी रह गई उस समय, जिसकी अब जो है खानापूर्ति हर हाल में हो जानी चाहिए और समय से हो जानी चाहिए, ताकि वो जो भी कुछ माहौल बना था वो आपने भी देखा है, अब वो चीज़ दोबारा ना दोहराई जा सके। मनीष जी, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपने इस डिबेट को शुरू किया और ये जनहितकारी डिबेट है जी, जो हम लोग पहले भूल करते चले आए हैं या सरकार से जो भूले हुई हैं उसको सुधारने का एक मौका दोबारा से आया है जी। क्या हमारी तैयारियां पूर्ण हैं? यदि हमारी तैयारियां पूर्ण हैं तो उसको अभी से ही प्रचारित प्रसारित जरूर करने चाहिए जी। क्योंकि लास्ट वाले लॉकडाउन में आपने देखा होगा कि शहरों को तो बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया लेकिन यहाँ पर भी कमी पड़ गई, ऑक्सीजन नहीं मिल पाई जी। इस समय हमें सबसे पहले जो गांव है हमें उसको सही करना होगा। सबसे ज्यादा मौतें अगर आप लास्ट टाइम देखिए तो गांव से हुई हैं, तो हमारे CSC और PSC हमारे कितने स्ट्रांग हैं ये डॉक्टर साहब जानती होंगी और या बताएंगी या सरकार को सोचना चाहिए। सबसे पहले हमें CSE और PSC को देखना है, उसके बाद में आप ये मेडिकल कॉलेज है या यहाँ का हमारा संजय गांधी PGI है, ऑलरेडी सब कुछ यहाँ पर व्यवस्थित है जी। लेकिन हम लोग जहाँ पर जहाँ से ये शुरुआत होती है उसको भूल जाते हैं। और दूसरी चीज रही बात ये कि हम लोगों को खुद भी प्रिकॉशन लेना पड़ेगा जी। यदि अगर हम लोग खुद प्रिकॉशन नहीं लेंगे, चाहे वो मास्क लगाने का हो, हाथ सैनिटाइज करने का हो, हाथ धोने का हो, ये सरकार को बताना पड़े तो ये बड़ी श्रम की बात होगी। हमें खुद भी सोचना है और डिस्टेंस हमें अभी से ही मेंटेन करनी चाहिए जी। डिस्टेंस भी आप रखिए, मास्क भी लगाइए, सब तरीके का। और सबसे एक अहम बात जो अभी शुरुआत होने वाली है कि ये कहां से आ रहा है जी, ये कहां से चल के आ रहा है, ये आ रहा है विदेशों से चल के। सबसे पहले आज भी मैंने एक ट्वीट किया है, PMO को मैंने निवेदन किया है कि सबसे पहले तो विदेशी जितनी भी फ्लाइट्स हैं इस पर रोक लगाने की कार्यवाही की जानी चाहिए जी। ये हफ्ते भर के अंदर कर दीजिए, अन्यथा जो लोग बाहर से लेकर आ रहे हैं वो हमको देकर चले जाएंगे जी। और यहाँ पर परेशानी हमारी ही सरकार को होगी, हमारे लोगों को होगी। तो इस ये आपके माध्यम से मैं एक निवेदन भी करता हूँ अपनी भारत सरकार को और हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी को कि जितनी भी विदेशी फ्लाइट आ रही है सबसे पहले तो इनको रोक लगाइए, क्योंकि इन्हीं से लोग आ रहे हैं और ये सबसे ज्यादा दिक्कत पैदा करेंगे आने वाले समय में जी। दूसरी चीज, हमारी PSC और CSE जो गाँव देहात में हमारी खुली हुई है, आपने कितना उसका उसको किया है, क्योंकि अभी हमारे स्वास्थ्य मंत्री भी निरीक्षण को गए थे, बहुत खामियां मिली, बहुत खामियां मिली, लोगों को बेड नहीं मिल पा रहे थे, लोग CSE PSE के बाहर बैठे रहते हैं, अगर दवाई भी लेने जाते तो वहां दवाई नहीं है जी, मतलब बुखार की भी दवाई नहीं है। तो ये तो कोरोना का क्योंकि कहर देख चुके हैं, तो इसलिए अभी से ही आप सबको सुरक्षित अगर रखना चाहते हैं, ये हमारे सरकार खुद देखेगी, सुरक्षित रखना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें ध्यान देना होगा PSC और CSE पे। मनीष जी, विवेक जी, आपने जो बताया कि सरकार उस पर ध्यान देना पड़ेगा, काफी कमियां भी आपने गिनाई। हमारे साथ मौजूद है प्रशांत मिश्रा जी जो कि भाजपा नेता हैं। प्रशांत जी, विवेक जी ने एक मुद्दा उठाया कि अभी भी कमियां हैं, हमारे डिप्टी CM जो हैं बराबर दौरे कर रहे हैं, अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं और वहाँ पे जो कमियां मिल रही हैं उसको लेके निर्देश भी जारी कर रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि जो विवेक जी ने कमियां बताई है, क्या ये कमियां वाकई में इस समय हैं? और दूसरा, जिस समय जो इस पैंडेमिक आया था उस समय आप ही की सरकार थी, कहीं ना कहीं वहाँ पे उसको समझने में चूक हुई, समय से चीज़ों का समाधान नहीं ढूंढा गया और लॉकडाउन नहीं लगाया गया, मेडिसिन की उपलब्धता नहीं थी, उसके साथ ही वैक्सीनेशन भी जानकारी नहीं थी, कुल मिला के बहुत ही संघर्ष उस समय आपकी इस प्रदेश सरकार को करना पड़ा। आपको क्या लगता है कि इस बार कितना गवर्नमेंट आपकी सतर्क है इसको लेकर और क्या उनकी तैयारियां आपको ग्राउंड लेवल पर दिख रही है? मदद करने के लिए और जहां तक बात है कोविड की, भारत ही नहीं हमारा उत्तर प्रदेश भी इससे प्रभावित हुआ। और आदरणीय मोदी जी ने जो चिंतन किया कि भाई इस देश में कोरोना के जो मरीज है वो बढ़े ना,
कोरोना मरीजों की संख्या बढ़े ना, तो आदरणीय मोदी जी ने त्वरित कार्रवाई में पहली बार में ही 40 दिन का लॉकडाउन लगाने का कार्य किया था जी। लोगों के स्वास्थ्य को लेकर के आदरणीय मोदी जी ने चिंतन किया कि लोगों का स्वास्थ्य इस व्यवस्थाओं को चलाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए मोदी जी ने चिंतन करके 40 दिन का लॉकडाउन लगाया। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार और हमारे उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी की सरकार ने दिन रात कोविड व्यक्ति कोरोना से पीड़ित हो जाता था तो उस व्यक्ति का चिंतन करने का कार्य किया, उसको अस्पताल में भर्ती कराने से लेकर के उसके सारी व्यवस्थाओं का कार्य देखने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है। विपक्ष के लोग कह सकते हैं कि भाई सरकार में ये व्यवस्थाएं खराब है। मैं खुद उस कोरोना काल में हम लोग भी लगातार निकलते थे, जो पहली बार की हम लोगों ने सभी जनपदों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लोगों ने, संगठन के लोगों ने लगातार कोरोना से पीड़ित लोगों के बीच में जाकर के उनका चिंतन किया। जो लोग अलग अलग प्रदेशों से प्रवासी मजदूर आ रहे थे, लोग आ रहे थे, उन सब के लिए भोजन की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था, उनका चिंतन करने का कार्य भाजपा की सरकार के संगठन में बैठे लोगों ने किया था जी। सरकार अपना काम कर रही थी, भाजपा के संगठन के लोग अपना काम कर रहे थे, हमारे विचार परिवार के लोग अपना काम कर रहे थे। और उस समय जब देश प्रचंड महामारी से जूझ रहा था, पूरी दुनिया अमेरिका जैसे ताकतवर देश, चाइना जैसे देश जहां से वेरिएंट निकला, वो सारे देश इस महामारी से जूझ रहे थे, तो इकलौता भारत एक ऐसा देश था कि भारत देश ने वैक्सीन का भी निर्माण किया और पूरे देश के 125 करोड़ लोगों को निःशुल्क वैक्सीन लगवाने का भी वो किया। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने, उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी की सरकार ने कहीं पर भी कोरोना मरीजों या जो भी कोरोना से पीड़ित हो गए या जिनकी भी मृत्यु हो गई, सरकार ने तो यहाँ तक की चिंतन किया जी। सरकार ने तो यहाँ तक चिंतन किया कि यदि किसी के परिवार में मृत्यु किसी की हो गई है, उनके परिवार के लोगों में एक केयर टेकर को, बच्चे को 4,000 रुपए महीनवारी की व्यवस्था भी करने का कार्य किया। प्रशांत जी, प्रशांत जी, प्रशांत जी हमारे साथ इस समय सपा से प्रवक्ता प्रोफेसर भुवन जी मौजूद हैं और वो सारी बातें सुन रहे हैं। भुवन जी, आपको क्या लगता है कि पिछली जब कोरोना आया था उसमें प्रदेश सरकार थी, उसमें कहाँ चूक रह गई और इस बार क्या तैयारियों में कमी आपको नजर आ रही है प्रदेश सरकार की, जो इसको सही किया जा सकता है, और आप कितना सहमत हैं प्रशांत जी से? और पिछली बार जो मौतों का तांडव था वो पूरे देश ने इसको देखा है और उत्तर प्रदेश से भी अच्छे से देखा हुआ है। मैं चाहता था कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता साथी है वो अपनी सरकार अपनी तैयारियों के विषय में अगर बताती तो हमें लगता कि प्रदेश के बारे में ये गंभीर है। लेकिन ये निश्चित तौर पे जो अपनी विफलता है उनको छुपा कर केवल अपनी सफलता का डंका बजा रहे हैं, वो भी ऐसे समय में जबकि प्रदेश और देश को इनकी आवश्यकता थी और प्रदेश और देश को लगता था कि ये एक उचित माहौल तैयार करेंगे। निश्चित तौर पर हमने देखा था कि ऑक्सीजन की कमी के कारण कितनी मौतें हुई, वेंटिलेटर ना होने के कारण कितनों की मौतें हुई, और हमने देखा कि गंगा जमुना जो है पूरी भर गई थी लाशों से। ये दृश्य को उत्तर प्रदेश कभी भूल नहीं पाता है, सरकार का फेलियर सिस्टम था। लेकिन निश्चित तौर पर हम ये कहना चाहते हैं कि पिछली जो गलतियों से सीख कर सरकार कोई वो पहले प्रायोरिटी कदम उठाए जिससे कि प्रदेश को उस तरह की विपदा का सामना ना करना पड़े, ऐसी मैं आशा करता हूँ। इसके साथ साथ मैं कहना चाहता हूँ ये वैश्विक बीमारी है और प्रदेश के सभी एक जिम्मेदार विपक्ष के होने के कारण हम सरकार से आगाह करते हैं। और जैसा कि हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि विपक्ष इस बार सरकार के अच्छे कार्यों में कंधे से कंधा मिला कर सहयोग काम करेगा और जहां पर इनका फेलियर होगा वहां पर उजागर करने का काम करेगा। मोहन जी, इससे पहले अखिलेश जी ने यह भी कहा था कि वो भाजपा की कोरोना वैक्सीन नहीं लगाएंगे और आपने तो सीधे सीधे भाजपा को कटघरे में लाके खड़ा कर दिया। आपने साफ साफ कहा कि जो मौतें हुई थी वो भाजपा की लापरवाही की वजह से हुई थी, जबकि कोरोना वैक्सीन जो वैक्सीनेशन हुआ था वो बड़ी संख्या में भाजपा की देनी था जिसकी वजह से लाखों लोगों की जान भी बची थी। फिलहाल निकिता जी आपके पास चलते हैं, अब इस कोरोना को लेकर क्या सख्ती जरूरी है और इसकी रोकथाम के लिए क्या आगे करना चाहिए? देखिए, इस मामले में कल केंद्रीय सरकार जो है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की बैठक भी हुई थी।
और उसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो हैं मनसुख मंडाविया जी ने सारे प्रदेशों को कोविड से बचने के लिए अपने सारे समाधान रेडी करने के लिए काफ़ी उसमें उसको लेकर के सावधानी बरतने के लिए कहा था। अब कोविड से बचने के लिए हम क्या क्या करें इस बात पे अगर हम चर्चा करते हैं तो आप सबसे पहले तो दो गज दूरी मास्क है ज़रूरी जो हमारा स्लोगन 2022 में भी था और 2020 में भी था उसको पूरी तरह से फॉलो करें और अपने आँख नाक मुंह को हाथ ना लगाएं, जितना हो सके मास्क पहन करके रहें। अगर पब्लिक गैदरिंग में जाते हैं तो मास्क पहनना बिल्कुल भी ना भूलें। जैसे कि ये एक एंडेमिक हो चुका है, अब हमें इसके साथ साथ ही जीना है। आप कहीं भी किसी भी सरफेस पे अगर हाथ लगाते हैं तो सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूर करें। सैनिटाइजर से ज़्यादा बेहतर मैं ये कहूँगी एज अ डॉक्टर कि आप कोशिश करें कि आप साबुन और पानी से 20 सेकंड के लिए अपना हाथ धो लें, उससे आपको हाथों की सुरक्षा भी हो सकेगी। ज़्यादा सैनिटाइजर यूज़ करना भी हमारी त्वचा के लिए अच्छा नहीं होता है। और बाकी अगर कोविड से बचने की अगर आपको ऐसे कोई सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं अपने आप में, अगर आप किसी कारणवश अगर आप एक्सपोज हो चुके हैं कोविड-19 वायरस से, जो रीसेंट स्ट्रेन है BF7, उससे अगर आप एक्सपोज हो चुके हैं तो आपको ऐसे सिम्टम्स आ सकते हैं। आपको बुखार हो सकता है, कंपन शुरू हो सकती है शरीर में, सिर में दर्द हो सकता है, पूरी बॉडी में दर्द हो सकता है, बहुत ज़्यादा फैटीग, बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो सकती है। तो अगर आपको गला ख़राब है या अगर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सिम्टम तो ये है, ये सारे सिम्टम्स एक नॉर्मल फ्लू नॉर्मल वायरल के हैं, इसके साथ साथ अगर आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी है, अगर आपको सांस लेने में तकलीफ भी है, तो आप बिल्कुल बिना कोई समय वेस्ट करते हुए आप अपने चिकित्सक को जा करके दिखाएं। और अगर आपको कोई भी ऐसे सिम्टम्स नज़र आते हैं जैसे कि मैंने आपको बताए, आप तुरंत अपनी कोविड की जाँच कराएं। सबसे ज़्यादा दिक्कत तब आती है जब ये सारे सिम्टम्स होने पर भी हम अपनी जाँच नहीं कराते, उससे आंकड़ों को की काउंटिंग में भी हमें मुश्किल होती है और कभी बीमारी पकड़ नहीं आने की वजह से हम ज्यादा लोगों को संक्रमित कर सकते हैं। तो एज अ गुड सिटीजन मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आपको लगता है कि आप इस चीज से संक्रमित हो गए हैं तो अपने घर के अंदर रहें, अपने कमरे के अंदर रहें, ना अपने परिवार वालों को फैलाएं, ना ही अपने पड़ोसियों को ये चीज फैलाएं। अगर आपको लगता है कि आप बीमार हैं तो आप अपने चिकित्सक से कंसल्ट कर सकते हैं। आजकल हॉस्पिटल नहीं जाना है अगर आपको, और आपको ऐसे सिम्टम्स नहीं लग रहे हैं कि आपको भर्ती होने की नीड है, तो आप घर भी अपने चिकित्सक को बुला सकते हैं। होम केयर के बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं आजकल हॉस्पिटल्स में, अगर आप पता लगाएं, मेदांता हॉस्पिटल में चल रहे हैं, अपोलो हॉस्पिटल्स में चल रहे हैं, होम केयर के प्रोजेक्ट्स का आप फायदा उठा सकते हैं। लेकिन अगर आपको सांस में तकलीफ हो, सांस लेने में तकलीफ हो, तो आप बिल्कुल बिना टाइम वेस्ट करते हुए अस्पताल जाएं और अपने चिकित्सक, अपने पल्मोनोलॉजिस्ट से जरूर चेकअप करवाएं। जी विवेक जी, आपके पास आते हैं, आप ग्राउंड लेवल पर समाज सेवी हैं और ग्राउंड लेवल पर जमीनी स्तर पर उतर के आप समाज सेवा करते हैं, तो आप सबसे पहले मैं चाहूंगा आप ये बताइए कि प्रदेश सरकार को सबसे पहले जो प्राथमिक जो स्टेप लेना चाहिए वो क्या होना चाहिए उनका ग्राउंड लेवल पर। मनीष जी, अभी मैंने प्रशांत जी को भी सुना जो भाजपा के नेता हैं और हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय भी बात वार्ता कर रहे थे, वो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है जी। प्रेजेंटली अगर हमने देखना है तो हमें लोगों की जानों को देखना है जी। जो कि पिछली बार हमारे साथ में गलती हम लोग कर चुके हैं जी। दोनों पार्टियों के बहुत अच्छे नेता हैं, उन्होंने बताया कि हमारी पार्टी ने ये किया, योगी जी ने ये किया, मोदी जी ने ये किया। भाई जो नहीं किया या जिसमें फेल्यूअर हुए उसको कौन देखेगा जी। वो भी तो आप ही देखिए, पहले आपने टीम 11 बना दी जी, सारे आईएएस, फिर आपने टीम 9 बना दी, उसमें भी सारे आईएएस, आपने डॉक्टर्स को कहां रखा जी, डॉक्टर्स की कितनी सुनी जी। जिस चीज को डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि हमको ये जरूरत है, तो उनको टीम 11 और टीम 9 में जगह मिलनी चाहिए थी जी। हमारे यहाँ के डॉक्टर सूर्यकांत जी हैं मेडिकल कॉलेज में, अगर आप उन्हीं को रख लेते तो वो आपको सारी चीजों से पहले से बता दिया जाता कि ये चीजों की प्रॉब्लम आप दूर कर लीजिए, लेकिन नहीं होता। वेंटिलेटर आपने लगा दिए, प्रशांत जी पहले मैं पूरी कर लूं फिर आप बोलिएगा। प्रशांत जी सुनने का भी ध्यान रखिए, हम लोग समाज से भी, हम लोग कोई नेता नहीं है, हम लोग केवल अपनी आपको बातें बता सकते हैं, ये हमारी बातें आप कम से कम सरकार तक पहुंचाएं, सुनिए। जो वेंटिलेटर की बात हो रही है, वेंटिलेटर पूरा लगा दिया गया, पूरे लखनऊ भर में वेंटिलेटर लगा दिए, लेकिन उसको चलाने वाले कहां थे जी, सही बात। स्टाफ कहां है जी, आप स्टाफ की कमी पूरी करिए। अभी अगर आपको मालूम है कि ये पेंडेमिक आने वाला है, आज से 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद या 1 महीने बाद अगर ये आ रहा है, तो हम अपने स्टाफ की भरपाई करें, इस पर तो कोई वार्ता होती नहीं।
आपस में लड़ जाते हैं। अरे भैया यहाँ पर हम लोगों की को ध्यान दे लीजिए, जनता को ध्यान दे लीजिए, आप लोग तो लड़ते रहेंगे, चुनाव आते रहेंगे, आप लोग जीतते रहेंगे, कभी भाजपा की बनेगी, कभी सपा की बनेगी, कभी बसपा की बनेगी, कभी कांग्रेस की बनेगी, हम लोग कहाँ जाएं? हम लोगों के लिए भी तो कुछ सोचिए, आप लोग आपसी लड़ाई में हम लोगों को भूल जाते हैं। अरे भाई टीम नाइन आपने बनाया हुआ है, टीम नाइन में आप कम से कम डॉक्टर्स को, उसमें आपको पैनलिस्ट चार डॉक्टर्स आपको रखने चाहिए, वो चार डॉक्टर्स आपको बताएंगे कि आपको क्या क्या चीज की जरूरत है। जो आपके पांच आईएएस महोदय हैं जो इस सरकार को चला रहे हैं वो उसका प्रबंधन करें, उनका काम है प्रबंधन करना, डॉक्टर्स नहीं करेगा, डॉक्टर्स आपको कमियां बता देगा, लेकिन आप उनको रखते नहीं, उनको तो हाशिए पे डाल रखा, आप कब बिठाल के उनसे वार्ता करते हैं? ये प्रेजेंट सरकार को भी सोचना चाहिए, और हमारे जो समाजवादी पार्टी के जो विपक्षी पार्टी है, बड़ी पार्टी है, अरे आप लोग अपना बड़ा दिल दिखाइए सर, आप लोग खुद स्वयं आप एक पत्र भेजिए कि जितने भी हमारे यहाँ पर दल हैं उनकी सबकी बैठक कराएं, और आप अपनी अपनी जो लोग आपने समस्याएं देखी हैं, जनता की जो समस्याएं दुख दर्दों को देखा है, जैसा कि प्रशांत जी भी बता रहे थे कि इनकी टीम कोर कमेटी काम कर रही थी, समाजवादी पार्टी की कर रही थी, कांग्रेस की कर रही थी, आपकी कर रही थी, सबकी कर रही थी, लेकिन आपने उसका हल क्या निकाला? अरे आप लोग बैठकें करिए, हम लोगों के प्रति अगर आपके में दया भाव है, अगर आपको भाई अपनी सरकार चलानी है या दूसरी बार में आपको आना है, तो आपके जो आपके अध्यक्ष हैं पार्टियों के, उनको बड़ा दिल दिखाना चाहिए। प्रशांत जी जवाब दीजिए, भेजे सरकार को, वो भेजे कि हम लोगों को बिठाल कर वार्ता करिए, आप उनसे वार्ता सुनिए, उनकी बातों को सुनिए, अगर कहीं कमी रह गई उसको पूर्ण कराने की कोशिश कीजिए। बस मेरा हमारा यही कहना है, क्योंकि पिछले जो पेंडेमिक हुआ था उसमें मैं इतना भाई साहब व्यथित हो गया था, बुजुर्गों को कोई देखने नहीं जाता, वृद्धाश्रम कोई नहीं गया, जो सरकारी आश्रम चल रहे हैं उसमें केवल ऑपरेटिंग होती थी, वहां पर उनको दवाइयां प्रॉपर मिल रही हैं, उनकी जांचें हो रही हैं नहीं हो रही हैं, या जो आपके निजी इन्होंने वृद्धाश्रम खोल रखे हैं जहां से ये लोग एड लेते हैं सरकार से, उन लोगों ने कितनी व्यवस्था की है, ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं थी भाई साहब। प्रशांत जी से जवाब ले, प्रशांत जी बताइए आपसे पूछा जा रहा है। मैं भाई साहब की बात से थोड़ा सा सहमत हो सकता हूं, जी पूरी तरह नहीं, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में लगातार सरकार के लोग और माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे नेतागण, भाजपा का संगठन, सभी लोग प्रशासन के साथ मिलकर के लगातार जनता के हित के लिए चिंतित हैं। जी हम लोग भी अगर जो कोरोना काल में जाकर के अस्पताल में मिलकर के सीएमएस, सीएमओ, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल, सभी लोगों से बराबर वार्ता करके क्या क्या व्यवस्थाएं और करवाई जा सकती है, क्या क्या चिंतन किया जा सकता है, हो सकता है कहीं पर एकांत जगह पर, मैं विवेक जी की भी बात से सहमत हूँ कि हो सकता है कहीं एकांत जगह पर ऐसी स्थिति आई हो जी। लेकिन अगर जो सरकार ने पूरी तरीके से जनता का चिंतन करने का कार्य किया, तो वही बात यहाँ पर टीवी के माध्यम से लोगों तक पहुँचनी चाहिए। हम अगर जो कोई कमी रह गई है, तो उसके लिए लगातार इस बार भी हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, मुख्यमंत्री जी लगातार जो भी टीम नाइन टीम इलेवन की बात कर रहे थे, वो लोग भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की चल रही है, टीम नाइन टीम इलेवन नहीं चला रही है। प्रशांत जी यहाँ पे बात हो रही है कि कोरोना फिर से, प्रशांत जी यहाँ हम जानना चाह रहे हैं कोरोना फिर से भारत में आ चुका है और इससे फिर वही जनहानि ना हो, उसी बड़ी तादाद में लोगों की मृत्यु ना हो, इसके लिए क्या समाधान हो सकता है, क्या उपाय हो सकता है, चर्चा इस बात पे हो रही है। मनीष जी जनहानि से बचने के लिए ही पूरे देश में 125 करोड़ लोगों को निःशुल्क टीका लगाया गया है जी, बहुत सारे लोगों को बूस्टर डोज भी लगाया जा चुका है, तीसरी खुराक जो है। चलिए भुवन जी के पास प्रशांत जी चलते हैं, भुवन जी क्या कहना चाहते हैं आप? पूरे देश का सरकारी स्वास्थ्य का बजट बढ़ाया गया है। सरकारी नियुक्तियों की टीम होंगे ताकि सरकार के लोग, प्रशांत जी रुक जाइए, प्रशांत जी भुवन जी की बात सुन लेते हैं जी, भुवन जी बताइए बोलिए। देखिए मैं कहना चाहता हूँ कि जो पिछले अनुभव के आधार पर सरकार कुछ उससे सबक लेती और जो चर्चा आप चला रहे हैं वो भी प्रदेश और देश के काम आती जी। अभी हमारे जो मीडिया पैनलिस्ट, आपके हमारे जो पैनलिस्ट बैठे हैं यहाँ पर, एक साथी जो समाज सेवी है, उन्होंने बहुत अच्छा उपाय सरकार को दिया जी। लेकिन प्रदेश सरकार निश्चित तौर पे ना तो विपक्षों को सुनना चाहती है, ना ऐसे साथियों को जो इनको सजेशन देने का काम करते हैं। उन्होंने कहा था जो आईएएस का काम होता है वो होता है प्रशासनिक व्यवस्था करना, जबकि इस समस्या का हल
डॉक्टरों के द्वारा होता है कि डॉक्टरों को इस ग्रुप में शामिल कर दिया जाए, इस विषय पर भारतीय जनता पार्टी सजेशन को लेने की स्थिति में भी नहीं है। निश्चित तौर पे मैं कहना चाहता हूँ, हो सकता हम विचारधारा में इनसे ना मिलते हो, लेकिन प्रदेश और देश की जनता की रक्षा करने के लिए और इनको सुविधा देने के लिए हमारी पार्टी पूरा सहयोग करने को खड़ी है। निश्चित तौर पे ये विपक्षियों का भी सम्मान करना ठीक है, पर ऐसे लोग जो इनके सजेशन देने का काम कर रहे हैं, समाज से भी है, समाज में काम करते हैं, उनके सजेशन को भी लेने का काम कर रहे हैं। हम लोग तो देख रहे थे और हम लोग जिन जिन जनपदों में देखते थे जाते थे, मैं स्वयं जनपद बहराइच का रहने वाला हूँ, हमारे पूरे जनपद में समाजवादी पार्टी का एक भी विधायक एक भी नेता जनता के बीच में नहीं निकला। पूरा का पूरा कोरोना काल निकल गया, लोग आज भी उससे पीड़ित है, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता कब दिखते थे हमारे नेता हमारे कार्यकर्ता सब लोग फील्ड में रहे। आप निश्चित तौर पे यही तो आपकी कमी है, आपकी यही कमी है कि आप विपक्ष को नजरअंदाज करते हैं, लेकिन इससे हम अपनी जिम्मेदारी से भागने वाले लोग नहीं है। हमने पहले भी सेवा करी है, अब भी सेवा करेंगे। हमारी पार्टी के कार्यकर्ता नेता सभी लोग लगे रहे। ये कोरोना एक ऐसी समस्या है जो पूरे प्रदेश की समस्या है। निश्चित तौर पे आप हमारा सम्मान ना करना चाहे, हमारे विषय को ना लेना चाहे, हमारे जो पिछले बार पवन जी प्रशांत जी ये जो चर्चा हो रही है ये देखने के लिए हो रही है कि ये जानकारी हम निकाल सके कि आखिर अब हमें आगे का तैयारियां क्या करनी है। इसीलिए हमारे पास जो है सरीन जी मौजूद हैं, निकिता सरीन जी मौजूद हैं और विवेक जी मौजूद हैं। ये तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं है। मैं सुनिए प्रशांत जी सुनिए जी प्रशांत जी सुन लीजिए हमारे पास जो हमारे पैनलिस्ट बैठे हुए हैं वो निकिता सरीन जी एक चिकित्सक हैं और विवेक जी समाज सेवी हैं। मैं उनसे ही ये प्रश्न कर लेता हूँ कि मैम इससे पहले जो पेंडेमिक आया था उसमें कौन सी ऐसी कमियां रह गई थी, उनको कैसे सुधारा जा सकता है, और जो प्रदेश सरकार थी उन्होंने अच्छा सहयोग किया था, पूरा सहयोग किया था, पूरी कोशिश करी थी। और मैं सपा के लिए भी कहता हूँ, सपा ने पूरी कोशिश करी थी, उनके कार्यकर्ताओं ने भी जमीनी स्तर पर उतर के लोगों को मेडिसिन दिया है, लोगों को खाने पीने की सामग्रियां दी हैं। हर पार्टी ने अपने अपने स्तर पर पूरा सहयोग किया था ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जाने बच सके। मैं सबका साथ देता हूँ, सबके सपोर्ट में हूँ, लेकिन मैं जो कमियां रह गई थी उस कमियों पर आज चर्चा हो रही है और आने वाले समय में ये चीज दोबारा ना दोहराई जा सके और दोबारा वो सिचुएशन ना पाए जो सिचुएशन इससे पहले हम लोग देख चुके हैं। इसलिए समाज सेवी और सरीन निकिता जी हमारे साथ मौजूद हैं, वो खुद बताएंगे क्या कमियां रह गई थी और हमें कैसे इसके सुधार करना है। तो निकिता जी सबसे पहले आपके पास चलते हैं, आप बताइए। जी बिल्कुल, मैं ये कहती हूँ कि प्रशांत जी और भास्कर जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि बिल्कुल ना सपा की ओर से ना ही भाजपा की ओर से कोई कमी रह गई थी किसी तरह से। सबने अपने स्तर पे अच्छे से ही काम किया था, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे पास मेडिसिंस की काफ़ी कमी पड़ गई थी। एक ऐसा टाइम आ गया था कि जब हम पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करवा रहे थे हॉस्पिटल्स में, तो हमारे पास मेडिसिंस वहाँ अवेलेबल नहीं हो पा रही थी और मेडिसिंस ब्लैक में बिक रही थी। तो ऐसी स्थिति आप ना आने दें, या आप ऐसे एक्शंस लें कि ऐसी स्थिति ना आने पाए कि जो लोग जमाखोर लोग हैं वो चीज़ें जमाखोरी ना कर पाए। क्योंकि आपके पास ये पावर है कि आप इस चीज़ को थोड़ा चेक कर सकते हैं, क्योंकि इस चीज़ को लेकर डॉक्टर्स के पास बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। कई बार ऐसा हुआ है कि मेडिसिंस ना अवेलेबल होने की वजह से डॉक्टर्स के ऊपर अटैक किया गया है। तो मैं आपसे ये भी थोड़ा रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपसे हो सके, और विवेक जी से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपसे हो सके तो डॉक्टर्स का भी थोड़ा सहयोग दें। कोरोना काल में हमारे लिए भी उतना ही मुश्किल होता है जैसे जिंदगी बिताना जैसे कि एक आम आदमी के लिए होता है। हम भी अपने परिवार में वापस जाते हैं, हमें भी अपने आप को और अपने परिवार वालों को अपने सदस्यों को इस बीमारी से बचाना होता है। तो कृपया करके आप अगर बेड्स की अवेलेबिलिटी और ज्यादा बढ़ा सकें, देखिए हम ये चीज नहीं कह सकते कि इस समय कितने सारे लोग इस रोग से जो आने वाला समय है उसमें संक्रमित होंगे, क्योंकि जिस तरह से हमारा डेल्टा वायरस ने तबाही मचाई थी, जो स्टडीज कहती हैं वो तो यही कहती हैं कि ओमिक्रॉन वायरस उतना ज्यादा डेंजरस नहीं रहा है और उससे उतनी ज्यादा डेथ रेट नहीं रही है, और अब जो रिकवरी रेट है वो भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपने मिल करके हम जितने भी वैक्सीनेशंस प्रोवाइड करवाए हैं, भारत में लगभग 90% जो जनसंख्या है वो ऑलरेडी वैक्सीनेटेड है, और 2-3 वेव्स जो हम लोगों ने क्रॉस कर ली है कोविड की, जिन जिनको भी 1 या 2 या 3 बार हो चुका है कोविड, उसके अंदर बॉडी में इम्यूनिटी भी है। लेकिन फिर भी हम इस चीज़ को नहीं कह सकते कि आगे आने वाले समय में हमारे पास पिछली बार से ज़्यादा केसेस
होंगे या पिछली बार से कम केसेस होंगे, तो एज अ सजेशन आप ये ले सकते हैं कि पिछली बार से ज्यादा अगर हम और प्रिपेयर्ड होकर के चलें, अगर हम नंबर ऑफ बेड्स इन हॉस्पिटल्स बढ़ाएं कोविड संक्रमित पेशेंट्स के लिए, तो इस चीज से काफी सारे लोगों की जानें बच सकती हैं। और दूसरी मैं विवेक जी से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि ऐसे समाज सेविकों को, ऐसे डॉक्टर्स को और इंक्लूड करें अपने टीम में जो कि घर घर जाकर के होम केयर प्रोवाइड कर सकें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वृद्ध होते हैं जो अपने घर में जिनके बच्चे नहीं रहते वो हॉस्पिटल तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो ये काफी समस्या है ऐसे, इसीलिए आप देख सकते होंगे अगर कि जो सबसे ज्यादा डेथ रेट रहा है वो 60 से अबव लोगों का ही रहा है, यंगर जनरेशन कम ही अफेक्ट हुई है। अगर आप किसी भी पैमाने पे या किसी भी आंकड़ों को देखा जाए तो आपको ये चीज पता लगेगी। विवेक जी आपसे जानना चाहेंगे कि आप किस तरीके से देखते हैं इस चीज को, कि आप क्या सुधार की आवश्यकता है। मनीष जी मैंने पहले ही बताया टीम 11 और टीम 9, प्रशांत भाई सबको कुछ मेरी बात से कुछ ना इत्तेफाकी रही, लेकिन सोचने वाली बात है। प्रेजेंट टाइम टीम 9 बनी है, उसमें कितने डॉक्टर्स हैं भाई साहब मुझको बता दे, अगर नहीं है तो उसको उसमें ऐड करवा दीजिए। बिना डॉक्टर्स की राय के अगर आप प्रबंधन कार्यकारिणी को केवल आईएएस लॉबी को आप आगे कर, प्रशांत भैया टीम 9 टीम 11 कर रहे हैं जी, आप दो बार कह चुके हैं, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार उत्तर प्रदेश में बैठे हुए अच्छे से अच्छे डॉक्टरों के साथ बैठक करके योजना रचना बनाते हैं। नहीं मैंने देखिए प्रशांत जी मैं क्या बोल रहा हूँ आपको तो बता रहे हैं। अरे प्रशांत जी मैं बैठक की बात ही नहीं कर रहा, उसमें प्रबंध सुन तो लीजिए टीम 9 आपने जो बनाए हैं टोटल आईएएस लॉबी है, आपको इतना बुरा लग रहा है अगर मैं डॉक्टर्स के लिए बोल रहा हूं तो आपको क्या प्रॉब्लम है? आप उसमें दो डॉक्टर्स ऐड क्यों नहीं करा देते? आपने जो टीम 11 से 9 करा दिया उसको आप फिर 11 करा दीजिए, लेकिन उसमें दो पैनलिस्ट आप डॉक्टर्स को बताइए, दो डॉक्टर्स बताएंगे। अरे बॉस आप मत करिएगा, हम तो अपना सजेशन दे रहे हैं, ये आपको नहीं करना है, ये योगी जी को करना है। प्रशांत जी सुन लीजिए, ये योगी जी को करना है, आपको नहीं करना है, मुझको नहीं करना, ये योगी जी को लेना है निर्णय क्या करते हैं, ये हमारी बात उन तक पहुंचा दीजिएगा, आप केवल सुन तो लीजिए। यही दिक्कत आती है। देखिए आपकी एक सरकार है, कम से कम सुनने का मतलब रखिए सर। अरे आप एक अभिभावक हैं, इस प्रदेश के अभिभावक हैं, हम लोग तो जनता हैं आपकी भाई, आपसे अपनी परेशानी समस्या नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? प्रशांत जी मैं तार्किक की बात बोल रहा हूँ, आप मुझे ये बता दें कि उसमें टीम 9 में कितने डॉक्टर्स हैं, केवल इतना बता दीजिए, आप उसमें भी नहीं बताने को तैयार है। अब आप सुन लीजिए सर, अरे हमारी सुन लीजिए सर, देखिए आप सर पार्टियों की, अरे आप पार्टियों की नहीं सुनेंगे, हमारी सुन लीजिए। प्रशांत जी आपको वोट मांगने नहीं आऊंगा, प्रशांत जी आपको मौका मिलेगा, मुझको चुनाव नहीं लड़ना है, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन मेरी बात सुन लीजिए सर, मैं केवल एक समाज को जागरूक करने के लिए और आपको बताने के लिए, हमारी बातों को तो सुन लीजिए, आप नाराज हो रहे हैं, सुन लीजिए प्रधान जी सुन लीजिए, आप नाराज हो रहे हैं, नाराज मत होइए, समझ लीजिए। सबसे पहले जो वेंटिलेटर लगवाए गए हैं भाई, क्या पता अभी कुछ इसका प्रारूप अभी रूप निकल कर नहीं आया है कि इसमें क्या चीज की प्रॉब्लम होगी। जो वेंटिलेटर आपने पूरे लखनऊ भर में या पूरे प्रदेश में सजे हुए हैं उसके चलाने के लिए जो ऑपरेटर की जरूरत है वो आप पहले कमी को पूरी करिए। ऑक्सीजन हमारे पास कितनी है और कितनी की व्यवस्था करनी है उसकी व्यवस्था करिए। इसके अलावा हम डॉक्टर्स की बात को देखते हुए कौन कौन सी दवाइयों की अवेलेबिलिटी करा सकते हैं उसको करा दीजिए। तीसरी चीज सीएससी और पीएससी, क्योंकि आप क्षेत्र का भ्रमण करते हैं, गांव देहात में इतना डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं हो पाता जी। वो अपनी दवाई खुद करते हैं, इसलिए सबसे पहले सीएससी और पीएससी को आप मजबूत करिए। अगर वहां से आप मजबूत हो जाएंगे, मतलब हमारी सरकार मजबूत हो जाएगी, हम मजबूत हो जाएंगे जी। तीसरी चीज जो हमें प्रिकॉशन लेना है वो हम लोगों को लेना ही लेना पड़ेगा। सबसे हमारी विनती है, निवेदन है कि सब लोग मास्क का प्रयोग करें, जैसे डॉक्टर निकिता सरीन जी ने बताया कि 2 गज दूरी मास्क है जरूरी, ये 19 में भी स्लोगन था, 20 में भी था और आज 22 में भी जरूरत पड़ रही है और आगे भी जरूरत पड़ेगी। लेकिन हमें जहां हमारी कमियां हैं, हमारी सरकार की जहां कमियां हैं, और दूसरी चीज अब मैं आपको एक नई चीज पर आ रहा हूं, प्रशांत जी सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, आप ही के लिए है। अभी डेंगू आया था उसमें कहा गया, प्रदेश सरकार ने योगी जी ने ही बैठक करी थी और उन्होंने आदेश किया था कि सब जगह जहां पर भी फॉगिंग की जरूरत है वहां फॉगिंग कराएं, जहां पर और भी जो जरूरतें हैं वो पूरी कराएं। कितनी जरूरतें पूरी हुई सर, कहां कहां फॉगिंग हुई?
पूरे लखनऊ का अगर आप डाटा उठाकर देख लीजिए, केवल केवल और केवल कागजों में आपकी फॉगिंग पूरी मिलेगी जी। चार बार मैंने ट्वीट किया है, पांच बार मैंने ट्वीट किया है, नहीं हो रही। हर क्षेत्र की जगह, हर क्षेत्र का मैंने ट्वीट किया, लेकिन क्या क्या उस पर आपके अधिकारियों ने देखा, क्या उस पर जिम्मेदारी निभाई? नगर निगम जो आपका सबसे बड़ा एक डिपार्टमेंट है, जिसके ऊपर सारी जिम्मेदारियां हैं, साफ सफाई, स्वास्थ्य की, सबकी जिम्मेदारी उसके ऊपर है, कितने वहां पर जितने भी बड़े जिम्मेदार लोग बैठे हैं कितना काम करते हैं, आप उसको भी तो देखिए सर। ये हमारे कहने से नहीं, इतनी आसानी से बता दिया कि नगर निगम कोई काम नहीं कर रहा। अरे सर, मैं फिर आप नाराज हो गए सर, आप नाराज मत होइए निशान जी, नाराज मत होइए, मैं कह रहा हूँ काम। अरे सर, कितना डेली कहीं ना, बिल्कुल ठीक बात है, आज भी जो नगर सुशोभन अभियान चला था सर, ये जो 75 घंटे वाला चला था, उसमें भी मैंने लगातार फोटो भेजे थे, कहाँ कहाँ गमले रखे गए हैं, कहाँ कहाँ, बस मैं आपको भेज दूंगा प्रशांत जी, अभी आपका नंबर लेके मैं आपको भेज दूंगा कि कहाँ कहाँ आज भी गंदगी व्याप्त है। प्रशांत भैया ये पेंडेमिक, देखिए हम लोग अभी कोई दूसरी बहस के लिए नहीं आए, हम बहस के लिए नहीं आए, हम केवल आपको अपनी बात बताने आए, आप उसको बहस में ले जा रहे हैं। ये चर्चा हो रही सर, ये चर्चा हो रही, चर्चा में सुनिए, मैं बता रहा हूँ, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। जी जी जी, चर्चा में हम आपको तो अपनी समस्याएं बताएंगे ना, जहाँ नहीं हुआ वहां का तो हमने बताया, अगर चाहिए प्रूफ भी दे दूंगा। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, केवल और केवल फोन करना ही काफी नहीं होता। बाकी प्रशांत जी, हमारे बड़े बड़े नेता जी हैं, हमारे नेता प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के भी हैं, भुवन जी हैं, इस पर क्या देख रहे हैं, प्रशांत जी क्या देख रहे हैं, डॉक्टर निकिता भी यहाँ पर रहती हैं, आप भी यहाँ रहते हैं, कितना काम हो रहा है, सबके नॉलेज में है, बताने की जरूरत नहीं, काम बहुत अच्छा हो रहा है, केवल एक ही आदमी काम कर रहा है, वो है माननीय योगी जी जी, बाकी और लोगों से कोई उम्मीद नहीं है जी। केवल वोट बैंक की वजह से, जब वोट लेना होता है तभी विधायक दिखता है, तभी मंत्री दिखता है, तभी सांसद दिखता है। मोदी जी और योगी जी केवल यही हैं जो 24/7 दिखाई देते हैं जी, बाकी कोई यहाँ पर नेता। प्रशांत जी, एक छोटी सी बात बता रहा हूं, सृष्टि अपार्टमेंट में रहता हूं, कुर्सी रोड पर एलडीए की, लखनऊ विकास प्राधिकरण की योजना है, 5 उन्होंने योजनाएं वहां पर तैयार की थी जी, जिसमें सृष्टि है, सरगम है, स्मृति है, जनेश्वर है और सुलभ आवास है। वहां के वोटर नहीं बने थे, आपकी पार्टी का कोई आदमी पहुंचा नहीं था, मैंने ही ट्वीट किया था, ध्यान दे लीजिएगा, डीएम साहब ने उस पर संज्ञान लिया, लगातार उनको अप्रोच किया, कौन वहां पर नेता आया? जब आप वोट बैंक भी, मतलब आपका ही वोट बैंक है हम लोग, और आप उसका वोटर कार्ड ही नहीं बनवा पा रहे हैं, आप नाम ही नहीं जुड़वा पा रहे हैं, तो आप कैसे मदद हम लोगों से ले लेंगे? लेकिन अभी पेंडेमिक की बात आ रही है, सबका साथ सबको लेकर के चल रहा है, बिल्कुल सही बात, तभी मैं कह रहा हूँ, हमारा साथ भी तो आप ध्यान रखिए, हम लोग तो समाज से भी है, और राजनीति तो सपा वाले करते हैं, नहीं बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन हम तो समय पर पेंडेमिक से बचाना है लोगों को, उसका भी ध्यान देना है, और ये चार चीजें जो हमने CSC PSC आपको बताया है, ये जरूर देख लें, ये जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, ये लोग बड़ा परेशान रहते हैं, उनके लिए जरूर ध्यान दे लीजिए। बोल जी, हमें क्या तैयारियां करनी चाहिए, इसको लेके आपका छोटा सा कमेंट। देखिए, मैं इतना जरूर चाहता हूं कि सरकार जो है, अपने जो विपक्ष है और जितने हमारे पैंडित साथी बैठे हैं, जो समाज सेवी हैं, जो डॉक्टर साहिबा बैठी हैं, इनके सजेशन को गंभीरता से ले और उनको उन पर चिंतन करें, क्यों फेलियर हुआ हमारा पिछली बार, जो यमुना में लाते लगी, क्यों ऑक्सीजन की कमी रही, क्यों बेड हम लोग पूरे नहीं कर पाए, इन पर अगर चिंतन करेंगे तो निश्चित तौर पर हमें लगेगा कि सरकार इस बारे में बहुत गंभीर है, और हम चाहते हैं कि हमारी जो प्रदेश की जनता है और देश की जनता है, निश्चित तौर पर ये जो गंभीर समस्या देश के लिए आ रहा है कोविड के नए रूप में, तो निश्चित तौर पर इससे हम सब आपस में हम जो लड़ पाएंगे, हमें कोविड से लड़ने की जरूरत है, आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है। गोवन जी आपसे एक छोटी सी निवेदन है, अखिलेश भाई साहब से बोलिएगा थोड़ा सा बड़ा दिल दिखाएं, योगी जी के पास चले जाएं समय लेकर, और आपकी जितनी भी जो यहाँ पर कमियां रह गई हैं उनको जरूर अवगत करा दें जी, इससे कोई छोटा नहीं हो जाता, प्रदेशवासियों का सवाल है सर जी। देखिए, बिल्कुल मैं आपकी बात पर सहमत हूँ, और मैं कहना चाहता हूँ, माननीय अखिलेश यादव जी ने जब विपक्ष का नेता बने, उन्होंने कहा था कि हम सरकार को सहयोग करने का काम करेंगे जनहित में, लेकिन जहाँ पर जनता के हितों से टकराव होगा वहाँ पर हम संघर्ष करेंगे, ये बात हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव ने बहुत गंभीरता से पहले दिन ही सदन में कह दिया। कोविड आ जाएगा तो उसमें राजनीति करने का मतलब है, तब अखिलेश जी बताएंगे कि मैं वैक्सीन। भुवन जी से पहले भी देखा गया था, जब
ये कोविड कोविड आ रखा था, इतनी ज्यादा महामारी हो रखी थी, उसके बाद भी सब जो पार्टियां थी एक दूसरे का खींचतानी कर रही थी, और अभी भी देखा जाए तो बराबर बोला जा रहा है कि कांग्रेस से भी कि भारत जो पद यात्रा चला रहे हैं उसको रोका जाए, और उसके लिए बकायदे उनको लेटर भी दिया गया है कि भारत जोड़ो यात्रा को आप रोकिए ताकि कहीं कोविड का जो वेरिएंट है, जो B7 वेरिएंट आ रखा है, ये और ना फैल पाए और फिर वो स्थिति विकट ना हो पाए, तो उसमें सभी पार्टियों को अपना अपना सहयोग देना पड़ेगा। छोटा छोटा कमेंट के लिए मैं बोलता हूँ निकिता जी, छोटा सा कमेंट दीजिए कि अब क्या सुधार इसमें किया सकता है, इसको बचाव के लिए क्या सुधार करें। जी अभी अभी जैसे मैं देख रही हूँ कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने एक अलर्ट जारी किया है, ये अलर्ट अभी अभी जारी हुआ है कि भारत में सभी जनतावासियों को COVID-19 के अनुरूप जो व्यवहार होता है उसका पालन तुरंत ही करना शुरू करना होगा। ये अभी अभी आया है यहाँ पे COVID-19 के लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से। और दूसरी चीज़ ये है, जैसे आपने मुझे पूछा कि क्या क्या हमें करना चाहिए इस चीज़ के लिए, तो जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हमें बेड्स की अवेलेबिलिटी चाहिए, हमें हमें बहुत ज़्यादा ऐसा भी चाहिए कि डॉक्टर्स को हम अवेलेबल करवा सकें। एक चीज़ का हमें खास तौर से ध्यान रखना है कि जब हमें COVID-19 पैंडेमिक के थ्रू जब हमारे पास कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है, जब वायरस फिर से फैलना शुरू होता है, उसका नया स्ट्रेन फिर से फैलना शुरू होता है, तो हम इस चीज़ को ना भूलें कि बाकी सारी बीमारियाँ फिर भी चली आ रही हैं। हार्ट अटैक के पेशेंट्स, कार्डियक अरेस्ट के पेशेंट्स, स्ट्रोक के पेशेंट्स सर्दियों में या किसी भी मौसम में खत्म नहीं होते हैं, तो हमें इस तरह से अपने हॉस्पिटल्स में व्यवस्था चाहिए होगी, चाहे वो हमारे सरकारी हॉस्पिटल्स हों, चाहे वो हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स के कुछ सरकारी ऐसे बेड्स हों जिसमें कि हम उन सारी पेशेंट्स को हम अकोमोडेट कर पाएं जो कि अलग बीमारियों से भी जूझ रहे हैं, जिनको कार्डियक प्रॉब्लम्स भी हैं। ऐसी चीज़ें लास्ट टाइम देखी गई थी जो कि यूपी में होते हुए मैंने ऐसा पहली बार देखा है, क्योंकि पैंडेमिक तो काफ़ी मतलब बहुत सालों बाद अब आया है, लेकिन उस पैंडेमिक के दौरान ऐसे काफी सारे पेशेंट्स थे जिन लोगों का ऐसी बीमारियों में नुकसान हो गया था और बेड्स की अवेलेबिलिटी नहीं थी, जैसे कि हार्ट अटैक किसी को अगर आया तो उसके लिए भी बेड अवेलेबल नहीं था, क्योंकि सारे के सारे बेड्स जो थे वो COVID-19 पेशेंट से ही भरे हुए थे किसी किसी अस्पताल में। तो अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग वेयर हाउसेज में आप COVID-19 के अलग अलग बड़े बड़े स्तर पर आप बेड्स अवेलेबल करवाएं, आप ऑक्सीजन जो लास्ट टाइम हमारे पास कम हो गया था वो अच्छी मात्रा में रख के सरकार अपने अंडर में रखे, जिससे कि किसी को अवेलेबिलिटी में कोई तकलीफ या परेशानी ना हो। जी विवेक जी, आपसे लेना चाहते हैं छोटा सा कमेंट। जो मैंने शुरुआत में कहा वो लास्ट में कहूंगा, वेंटिलेटर को चलाने के लिए प्रशिक्षित स्टाफ की बहुत आवश्यकता है। CSC PSC का बहुत ध्यान रखिए, उसको पूरी तरीके से आप मेंटेन कर दीजिए कि उसमें कोई दवाइयों की कमी ना रहे। अगर कोई पेशेंट वहां पर जो भी ग्रामीण पहुंचते हैं जिनके पास पैसा नहीं है या कोई गरीब परिवार का है तो उसको अवेलेबल तुरंत हो जाए, और बाजार से पर्चा न लिखे। सबसे बड़ी चीज ये है कि आप डॉक्टर्स से भी रिक्वेस्ट है कि वो बाजार का पर्चा न लिखे, क्योंकि पैंडेमिक ऐसा चल रहा है कि लोगों के पास इस समय पर अपनी व्यवस्था नहीं हो पा रही है, वो दवाई कहां से लेकर आएंगे। जी बिल्कुल, बाकी सरकार ने इस बात पे, मैं ये बोलना चाहूंगी कि सरकार ने, हमारी जो सरकार है उन्होंने लास्ट टाइम जितना जब पैंडेमिक हुआ था तो एक योगी सरकार ने ये बहुत अच्छी चीज शुरू करी थी कि जिन जिन के घर में संक्रमित लोग हैं, जहां जहां भी हमारा COVID-19 RT-PCR से टेस्ट से पता लग रहा है कि यहाँ पे संक्रमित व्यक्ति मौजूद है, वहां सरकार ने दवाइयां पहुंचाने की भी प्रयास किए हैं, व्यवस्था करी है। वही आपसे कह रहा हूं, बिल्कुल, एक हमारे योगी जी हैं है ना जो लोगों को समझ रहे हैं, बाकी और हमें कहीं कोई नेता दिखाई नहीं देता। प्रशांत भाई साहब नाराज मत होना, फिर कह रहा हूं आप समझिए कि मैं आपको क्यों बोल रहा हूं कि आपका कोई नेता दिखाई नहीं देता, पैंडेमिक में कहां गायब हो जाते हैं केवल। प्रशांत जी आपकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि सत्ता आपकी है, प्रश्न लोग आप ही से करेंगे, चाहे विपक्ष हो चाहे जनता हो। फिलहाल इससे एक निष्कर्ष ये निकलता है कि जहां बेड की बात करी निकिता जी ने, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे पास जितने भी अस्पताल हैं, बड़े से बड़े अस्पताल में भी 600 से 700 के आसपास के बेड हैं, और जिसमें इमरजेंसी में भी जो चले अपने बिजी रहते हैं। इसके अलावा हमारे बेडों की संख्या कम से कम इतनी होनी चाहिए कि अगर ये वापस प्रकोप बढ़ता है तो हम कम से कम लोगों को समय पे इलाज दे पाएं, जो कि अभी संभव नहीं हो पा रहा है। फिलहाल कोरोना के अर्थ वेरियंट के मुकाबले B7 का आरोप कितना खतरनाक खतरा पैदा कर सकता है, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन इसके लिए सभी पार्टियों को जमीन स्तर पर उतर के एक साथ मिलकर इस पर आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी हम इससे लड़ पाएंगे। फिलहाल मैं इस चर्चा में बस विपक्ष को जी यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभावों को आश्वस्त करना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश के डॉक्टर, किसी भी प्रकार की उत्तर प्रदेश का प्रशासन किसी भी प्रकार की कमी, इस वक्त कुछ कमियां रही गई होंगी, उस कमी को इस बार पूर्ण करके पूरी ताकत के साथ जनता की सेवा में लगे हैं और लगे रहेंगे।
अगर जो हमारे डॉक्टरों ने, हमारे पुलिस वालों ने, सरकार के लोगों ने जी, सरकारी कर्मचारियों ने अथक प्रयास किया था, अथक मेहनत किया था, तो जाकर के इस लड़ाई से हम लोग कोरोना जैसी महामारी से लड़ पाए। और इस बार भी हम अपने जो देवतुल्य डॉक्टर है, पुलिस वाले हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सरकार के जो कर्मचारी हैं, सभी लोग मिलकर के जनता के हित के लिए, जनता के स्वास्थ्य के लिए पूरी तरीके से चिंतित है और आपको भरोसा दिलाते हैं कि हम सब कुछ कमियां होंगी उनको पूर्ण करके अच्छा से अच्छा को करेंगे। हमारी प्रदेश सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ इस वेरिएंट्स का से लड़ाई में उतरे और इससे ज्यादा से ज्यादा जनहानि को बचाया जा सके। प्रशांत जी, जिम्मेदारी आपकी है क्योंकि सत्ता इस समय सत्ता आपकी है, इसलिए आप ही को इन सब चीजों को देखना पड़ेगा और ऊपर तक जनता की बात को पहुंचाना पड़ेगा। फिलहाल सपा से हमारे प्रवक्ता भुवन जी, आपका इस चर्चा में आने के लिए बहुत बहुत अभिनंदन है कि आप इसमें आए समय निकाल के। प्रशांत जी आपका भी बहुत धन्यवाद देता हूँ, विवेक जी आपका भी और निकिता सरीन जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल प्राइम टीवी की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।